नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, रविवार के दिन संध्या समय से लेकर के रात तक कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से घर में कैसी भी हाय बद्दुआ टोना टोटका किया गया हो या हाय बद्दुआ लगी हो, हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, हमारी लाइफ में दुख तकलीफ कब आती है? तब जब हमने कोई बुरे कर्म किए होते हैं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया होता है। अपने सुख के लिए हमने कई लोगों के दिल दुखाए होते हैं, हमने कहीं न कहीं पापाचरण किया होता है, तब हमारी लाइफ में दुख आते हैं। हमारा मान सम्मान छिन जाता है, धन दौलत हमारे पास से चली जाती है, नई जैसे लोग भी हमें एनालाइज करने लग जाते हैं, आपको ये होना चाहिए, आपको वो होना चाहिए, है ना? हमारी लाइफ में तकलीफें आती ही तभी जब हमारे कर्म खराब होते हैं कहीं न कहीं से, या फिर हम उन लोगों के बीच में बैठे हैं जो कंटिन्यू हमें बद्दुआएं दे रहे हैं, ईर्ष्यावश या किसी और कारण से कंटिन्यू उनकी बद्दुआएं हम तक पहुंच रही हैं, या फिर तब जब कोई हमारे घर पर या हमारे ऊपर गलत तरीके के टोने टोटके करता है, घर में भूत पिशाच जिन नेगेटिव एनर्जी भेजी जा रही हो, और दोस्तों ये भेजने वाले कोई नहीं होते हैं, आपके अपने ही होते हैं। और जब तक आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज का वास है तब तक प्रोग्रेस होने नहीं है। इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार घर का उतारा जरूर किया जाए, अपने ऊपर से उतारा जरूर किया जाए। उतारा कर लेने से जो भी गलत चीजें आपकी बॉडी में वास कर रही हैं या आपके घर में वास कर रही है, वो तमाम चीजें आपके शरीर से आपके घर से दूर हो जाती है। जब नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी तो अपने आप पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में वास करने लग जाएगी। जब पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में वास करती है तो तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं आपके घर में आना शुरू हो जाती है। तो ये उपाय आपको रविवार के दिन करना है, संध्या समय से रात तक में आप कभी भी इस उपाय को करें। रविवार का दिन दोस्तों उतारा करने के लिए बहुत ही बढ़िया दिन है। जैसे सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए बढ़िया दिन है, वैसे ही उतारे के लिए भी ये दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। माना जाता है रविवार के दिन पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये उपाय जो मैं बता रही हूँ, इस उपाय को यदि आप करते हैं, जो भी मैंने बताया है वो तमाम चीजें आपकी लाइफ में आएंगी और तमाम नेगेटिव एनर्जी दूर होंगे। रविवार के दिन संध्या समय से लेकर रात तक में कभी भी आप इसको करें, एक मिट्टी का दिया लें, उसमें सरसों का तेल भर दें, 2 अगरबत्ती ले लें और इस दिए को लेकर के पीपल के पेड़ के पास जाए। फिर से बता दूं, इस उपाय को आप नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के उद्देश्य से कर रहे हैं, इसलिए आप पीपल के पेड़ के पास जा सकते हैं, कोई उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। आप जाएं और चौमुखा एक दीपक जला करके रख दें पीपल के पेड़ के नीचे और 2 अगरबत्ती लगा दें, और आप वहां खड़े होकर के बोले कि जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे साथ है या मेरे घर पर है वो अब यहीं पर वास करे, मेरे साथ मेरे पीछे ना आए। हाथ जोड़ करके इतना बोलें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे वासुदेव, हे कृष्ण, तमाम नेगेटिव एनर्जी से मुझे मेरे परिवार को मुक्त करें। इस तरह प्रार्थना करके आप वापस लौटाएं। घर में एंटर होने से पहले बाहर ही आप कुल्ला कर लें पानी से, अपने ऊपर गायत्री मंत्र बोल करके पानी छिड़क लें, उसके बाद आप घर में एंटर हो। इस क्रिया को आप एक बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, आराम मिल रहा है, तो आप जितनी भी बार चाहे इसको रिपीट कर सकते हैं। फिर से बता दूं, रविवार है, इसके लिए मन में ये ना रखें कि रविवार है पीपल में नहीं जाना चाहिए, विधि कैसे होगी। नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए यदि आप जाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, कोई पाप नहीं है। और संध्या समय, क्योंकि मैंने बताया कि संध्या समय से रात तक में करना है, तब सूर्यास्त हो चुका होता है, तो जो
जो भी विघ्न है, जो कारण है पीपल के पास नहीं जाने का, वो तमाम कारण दूर हो जाते हैं। जरूर करें इस छोटे से उपाय। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।